नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीजे सर क्लासेस के इस ऑनलाइन चैनल में आपका फिर से स्वागत और फिर से अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हिंदी और हिंदी में आज चलेगा हमारे सर्वनाम। क्या प्रकरण चलेगा हमारा? सर्वनाम। सर्वनाम से भी प्रश्न बनते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इससे प्रश्न बनते हैं। जैसे हमने विशेषण की लास्ट जो हमारी क्लास थी, मैंने आपको विशेषण की अवस्थाएँ समझाई थी, मूल अवस्था, उत्तमा अवस्था और आपके उत्तरावस्था। ठीक है, जो आपकी होती है सबसे कम या सबसे अधिक वो आपके होती है, उनमें ही आपके सबसे कम या सबसे अधिक में जब तुलना की जाती है वही आपकी अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम जैसे कि आप नाम से ही विदित होता है, सर्वनाम। सर्वनाम प्रमुखता दो शब्दों से मिलकर बनता है, सर्व सर्व धन नाम। सर्वधन नाम यानी वे सभी नाम जो कि किसके स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? आपके सर्वनाम कहलाते हैं। किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। किस क्या प्रयोग किए जाते हैं भाई? क्या प्रयोग किए जाते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले वे शब्द विशेष आपके क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। जैसे कि हम कहने में कहा संज्ञा, संज्ञा हम पढ़ चुके हैं। संज्ञा क्या है? एक नाम विशेष है। नाम जैसा मेरा कुछ और नाम है, आपका कुछ और नाम है, सभी का अपना अपना एक विशेष नाम होता है। लेकिन उसके, अब मैं कह रही हूँ संज्ञा के स्थान पर, यानी ऐसा तो नहीं कि सभी के अलग अलग नाम है तो उसको नाम से बोधित करें, नहीं। यह स्थान पर यानी भाषा को सुंदर और वाक्य को अच्छा बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। भाषा को सुंदर या वाक्य को अच्छा बनाने के लिए इनका, सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। कैसे प्रयोग किया जाता है देखते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा दशरथ एक राजा था। दशरथ एक राजा था। दशरथ की तीन रानियां, दशरथ की तीन रानियां थी। दशरथ के चार पुत्र हुए। दशरथ के चार पुत्र हुए। ठीक, यानी बार बार किस चीज की आपको देखेंगे, बार बार किस चीज की आवृत्ति हो रही है, बार बार किस चीज की पुनरावृत्ति हो रही है? दशरथ की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी दशरथ नाम के राजा क्या है? संज्ञा। अब दशरथ क्या है? संज्ञा है। दशरथ क्या है? संज्ञा। आप देख रहे हो बार बार इसी की आपकी पुनरावृत्ति होती है। इसी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे कैसे? देखिए दशरथ एक राजा था। उसके तीन रानियां थी, दशरथ की तीन रानियां थी। दशरथ एक राजा था। उसके किसके? दशरथ के। यहाँ उसके किसके लिए प्रयोग हुआ है? यहाँ उसके दशरथ के लिए प्रयोग हुआ है। किसकी रानियां थी भाई? तीन रानियां थी। किसके? दशरथ के। दशरथ के उसके किसके? दशरथ के। ठीक है, उनके, अब
अब यहाँ उनके भी किसके दशरथ, उनके चार पुत्र, उनके चार पुत्र हुए, किनके हुए, दशरथ के। अब ये जो दशरथ है ये कौन है, संज्ञा, ये क्या है, संज्ञा। तो इस संज्ञा को हम बार बार प्रयोग ना करके इसका हम सर्वनाम के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, यानी संज्ञा के स्थान पर। ये क्या है, ये संज्ञा है, ये क्या है, ये भी संज्ञा, लेकिन ये क्या है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जा रहे हैं। तो ये क्या कहलाए, आपके सर्वनाम कहलाए, यानी बार बार शब्दों की पुनरावृत्ति ना करके हम क्या कर रहे हैं, सर्वनाम के द्वारा वाक्य को सुंदर रमणीय बना रहे हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, आपके सर्वनाम कहलाते हैं। मैंने आपको बताया सर्वनाम प्रमुखता दो ही शब्दों से बनके बनते हैं, सर्वनाम, सर्वनाम, सर्वनाम यानी सभी नाम, सर्व यानी सभी, सर्वनाम यानी सभी नाम, नाम यानी क्या, संख्या, नाम यानी संज्ञा, नाम क्या, संज्ञा। अब ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जा रहे हैं तो क्या कहलाएंगे, सर्वनाम, क्या कहलाएंगे, सर्वनाम। चलिए अब इसकी हम एक पहले परिभाषा देख लेते हैं कि सर्वनाम की परिभाषा होती क्या है। ये आपके भाषा को या कह सकते हैं वाक्य को सुंदर और रमणीय या मनमोहक बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। देखते हैं सर्वनाम, सबसे पहले हम सर्वनाम देखते हैं, सर्वनाम, सर्वनाम, पहले परिभाषा देखते हैं हम सर्वनाम की। चलिए सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं कि सर्वनाम प्रमुखता, सर्वनाम प्रमुखता दो शब्दों से बना है, सर्वनाम प्रमुखता दो शब्दों से बना है, सर्व धन नाम, सर्वधन नाम, सर्व का शाब्दिक अर्थ होता है सभी नाम, नाम यानी संज्ञा, नाम यानी संज्ञा, ये दो शब्दों से मिलकर बना है सभी यानी नाम, यानी आपके सर्वनाम। आगे देखते हैं संज्ञा शब्दों की, संज्ञा शब्दों की बार बार आवृत्ति से बचने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, सर्वनाम का। ठीक है, आगे देखते हैं और किस काम आता है सर्वनाम। भाई भाषा को सुंदर या फिर कह सकते हैं वाक्य को रमणीय बनाने के लिए भी बनाने के लिए भी
हम इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, हम इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आपके ये देखेंगे भाषा को सुंदर और वाक्य को रमणीय बनाने के लिए भी हम सर्वनामों का क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। आगे देखते हैं हम ये भाषा को संक्षिप्त करने का कार्य भी करते हैं, करने का कार्य भी करते हैं। ठीक है, यानी ये क्या करते हैं, भाषा को संक्षिप्त करने का कार्य भी करते हैं। जैसे कि मैं पहले शुरुआत में ये उदाहरण लिखवाते हैं, दशरथ बार बार क्या हो रहा था, दशरथ शब्द की आवृत्ति हो रही थी, उसको रोकने के लिए हमने क्या करा, आपके इसका प्रयोग किया। चलिए अब देखते हैं सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के प्रकार देखिए, सर्वनाम के जो प्रकार होते हैं, प्रमुखता आपके 6 प्रकार माने गए हैं। कितने माने गए हैं, 6। सर्वनाम के प्रमुखता 6 प्रकार ये माने गए हैं। अगर आप देखो तो इसको याद करना बड़ा ही, कभी कभार हम भूल जाते हैं सर्वनाम के प्रकारों को, कौन कौन से होते हैं। 6 प्रकार माने गए हैं सर्वनाम के। अगर मैं इसे एक ट्रिक में बांधू, एक सूत्र में बांधू, तो आप देख सकते हैं अनाप सनाप, अपन कहते हैं ना अनाप सनाप मत बोल, ठीक। तो अनाप सनाप देखिए, अगर हम इसे याद करें सं सर्वनाम के प्रकार को, तो देखो सूत्र देख लेते हैं इसका, भाई क्या है, अनाप सनाप, अनाप सनाप। अब कितने हो गए, एक एक, दो तीन चार पांच और ये 6, यानी कितने भेद हो गए इसके, 6 हो गए। तो अनाप सनाप द्वारा हमने 6 भेदों को बड़ी आसानी से ट्रिक के माध्यम से देख लिया। कितने भेद होते हैं, 6 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, अनाप सनाप। अनाप सनाप तो हमने बोल दिया, लेकिन कैसे याद कैसे करें भाई अनाप सनाप। देखिए सर्वनाम के भेद बोल रही थी मैं, सर्वनाम के प्रमुखता 6 भेद माने गए। अब आपने देख लिया कौन कौन से होते हैं, 6 भेद माने गए हैं। कौन कौन से होते हैं ये 6 भेद, इसको देखते हैं। नंबर एक अनिश्चित वाचक, अनिश्चित वाचक सर्वनाम, अनिश्चित वाचक सर्वनाम एक, जिसको हमने नाम दिया था आ आ। फिर दूसरा क्या है आपका, निश्चित वाचक, निश्चित वाचक वाचक सर्वनाम, जिसको हमने क्या नाम दिया था आपके, ना। फिर आता है आपका पुरुष वाचक, क्या आता है, पुरुष वाचक सर्वनाम, इसको क्या नाम दिया था हमने, इसको हमने नाम दिया था आपके पा, यानी ये क्या है आपके पास। फिर आता है आपके पास
जाता है आपके पास अनाप सनाप स। सा यानी होता है संबंध बोधक, संबंध वाचक, संबंध वाचक सर्वनाम, संबंध वाचक सर्वनाम, संबंध वाचक है। भाई ये किससे आपके है? सा, सा यानी अनाप सनाप यानी सा। फिर आता है सनाप, फिर आता है आपके निज वाचक, निज वाचक, निज वाचक सर्वनाम, निज वाचक सर्वनाम। इसको नाम दिया गया है आपका दोबारा ना। फिर आखिरी में आता है आपका प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आपके ये संख्या में कितने हो गए? आपके 6 हो गए। अब आप देख सकते हैं अनाप सनाप, तो अनाप सनाप यानी आपके कितने हो गए? ये 6 भेद हो गए। कौन कौन से होते हैं भाई? आपने देखा नंबर 1 है आपके पास अनिश्चयवाचक, निश्चितवाचक या निश्चयवाचक कह सकते हैं इसको, निश्चयवाचक, इसको निश्चयवाचक कर लेते हैं, अनिश्चयवाचक या आपके निश्चयवाचक, अनिश्चय कर लेते हैं इसको। इसको हम कर लेते हैं आपके निश्चय वाचक, आ निश्चय वाचक, आ निश्चय वाचक सर्वनाम। फिर नंबर दूसरा है निश्चय वाचक सर्वनाम। तो आपने देखा कि अ से हुआ अनाप और ना से हुआ निश्चय, और पा से हुआ पुरुषवाचक, सा से हुआ संबंधवाचक, और आपके ना से निजवाचक, और आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, चलिए मैं इसको एक बार और साफ तरीके से लिख देती हूँ। तो ये हुए आपके 6। कौन कौन थे? नंबर 1 नंबर 1 आ निश्चय, आ निश्चय वाचक सर्वनाम, आ निश्चय वाचक सर्वनाम। नंबर 2 निश्चय वाचक सर्वनाम पा। नंबर 3 पा था, तो क्या है? पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 4, नंबर 4 है आपका संबंध। कभी आप इस ट्रिक के माध्यम से भूलोगे ही नहीं सर्वनामों को, कभी भी नहीं भूलोगे अनाप सनाप। सा यानी, सा यानी संबंध वाचक, यानी संबंध वाचक सर्व। नंबर 5 निज, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। नंबर 6, नंबर 6 है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए ये हुआ आपका, आपके मैंने बताए 6 प्रकार, यानी कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। चलिए अब आपके देख लेते हैं हम इनको, हम आगे देखते हैं कि यहाँ से प्रश्न कैसे बनता है। जैसे कि नंबर 1 आता है आपके पास अनिश्चयवाचक, तो नंबर 1 लगाएंगे हम अनिश्चयवाचक। नंबर 1 अनिश्चय
अनिश्चय वाचक सर्वनाम। चलिए देखते हैं इसमें क्या आएगा। अनिश्चय वाचक में भाई अनिश्चय, जैसे कि नाम से ही बोर होता है, किसी के बारे में मैं निश्चय नहीं है कि क्या है, जहाँ मैं निश्चय नहीं होता। जैसे कि मैं क्या हूँ, मैं निश्चित हूँ, है ना, मैं स्त्री हूँ, निश्चित हूँ। लेकिन जहाँ किसी का निश्चय ही नहीं होता क्या है क्यों है, तो वहाँ पर आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। अब बार बार मैं बता रही, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है तो आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए देखते हैं इसको, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जिनसे किसी अनिश्चित वस्तु प्राणी स्थान आदि का बोध होता है अनिश्चित वाचक। याद रखना, अनिश्चित, हमें उसके बारे में निश्चित नहीं है क्या है, तो वो क्या कहलाएंगे, आपके अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहलाएंगे, है ना। तो अनिश्चित वस्तु प्राणी या कह सकते हैं हम पदार्थ, वस्तु प्राणी स्थान पदार्थ व्यक्ति मैंने दो मात्रा लगा दी, व्यक्ति आदि का निश्चित बोध ना होकर अनिश्चय बोध होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझ में आया? चलिए, जैसे कि इसकी जो पहचान युक्त शब्द होते हैं, इनके एक जैसे पहचान कि कुछ कहीं, यानी इन वाक्यों में आपको ये शब्द मिलेंगे, कुछ कहीं कोई किसी किन्हीं या फिर कह सकते हैं कभी कभी आदि का प्रयोग होता है। क्या होता है इनका, क्या होता है, प्रयोग होता है। तो ये किस में आएंगे, आपके अनिश्चयवाचक सर्वनामों में आएंगे। दोबारा देखिए, वे सर्वनाम जिनसे किसी अनिश्चित वस्तु प्राणी स्थान पदार्थ व्यक्ति आदि का निश्चित बोध ना होकर अनिश्चय बोध होता है, उन्हें अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। भाई इनकी पहचान क्या होती है, यानी जो वाक्य होता है वाक्य में ये शब्द अवश्य ही मिलेंगे, कुछ कहीं कोई किसी किन्हीं कभी आदि, यानी वाक्य के अंतर्गत आपको ये शब्द
आना अनिवार्य है, तभी आप क्या समझ सकते हो, अनिश्चित वाचक सर्वनाम है। क्या है? अनिश्चित वाचक सर्वनाम। चलिए देखते हैं इसके उदाहरण। चलिए आगे देखते हैं। जैसे एक विशेष नोट लगाते हैं हम, एक विशेष नोट लगाते हैं प्राणियों के लिए, सदैव ही प्राणियों के लिए सदैव ही कोई कोई और किसी का कोई और किसी का प्रयोग होता है। किसका? कोई और किसी का। किसके लिए? भाई प्राणियों के लिए हो रहा है इसका प्रयोग। तो पदार्थों के लिए क्या होगा? तो पदार्थ विशेष के लिए आपके पास पदार्थ विशेष के लिए पदार्थ विशेष के लिए सदैव ही कुछ का प्रयोग होता है। पदार्थ विशेष के लिए सदैव ही कुछ का प्रयोग होता है। जैसे कि मैंने कहा कुछ पानी, पानी में कुछ गिर गया या चाय में कुछ गिर गया। अब मैं ये थोड़ी ना कहूँ कि चाय में कोई गिर गया, चाय में कोई कोई थोड़ी ना, कोई यानी किसके लिए आएगा? प्राणी के लिए। कोई किसके लिए आ रहा है? प्राणी के लिए। मैं ये कह सकती हूँ नदी में कोई गिर गया, नदी क्या उसका घनत्व ज़्यादा है तो वहाँ पे तो कोई गिर सकता है, लेकिन चाय का घनत्व तो कम है तो उसमें तो कुछ कुछ गिर गया। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? अनिश्चय वाचक सर्वनाम, यानी पदार्थ विशेष के लिए सदैव कुछ का प्रयोग करें अनिश्चय में, और प्राणी विशेष जहाँ आता है वहाँ अनिश्चय वाचक में किसी और कोई का प्रयोग करेंगे। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। जैसे जैसे कोई दरवाजे पर खड़ा है। अब हम इसे जानते नहीं है कोई खड़ा है, तो ये क्या है? आपके अनिश्चय वाचक है। चलिए आगे देखते हैं। चाय में कुछ गिर गया। तो ये आपके, ये क्या है? ये जो आ रहा है ये क्या है आपके इन वाक्यों में? आपके अनिश्चय वाचक सर्वनाम आएगा। क्या आएगा? अनिश्चय वाचक सर्वनाम। समझ में आया? तो वहाँ आपके अनिश्चय वाचक। आगे देखते हैं हम निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम? आगे देखते हैं निश्चयवाचक। नंबर दो, निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम विशेष जिनसे
किसी निश्चित निश्चित वस्तु प्राणी पदार्थ स्थान या फिर व्यक्ति का निश्चित वस्तु प्राणी पदार्थ स्थान व्यक्ति का निश्चित बोध हो कि भाई हाँ ये है। अब मैं पढ़ा रही हूँ यानी मैं एक निश्चित हूँ, सबको पता है मैडम पढ़ा रही है, तो ये क्या है एक निश्चित। अब ये क्या है पेन है, पेन क्या है निश्चित है, पेन से ही पढ़ाते हैं, तो ये क्या है निश्चित जहाँ आ जाता है, निश्चितता जहाँ आ जाती है वहाँ आपके निश्चित बोध होता है। आगे देखते हैं ये क्या है, जैसे पहचान इनमें क्या आएगा, में क्या आएगा पहचान में, यह है मैंने कहा यह मेरा मकान है, यह है मेरा मैं निश्चित हूँ यह मेरा मकान है, ठीक है। तो यह क्या है आपके निश्चित वाचक सर्वनाम, यह है वह ये वे ये वे इस इसे उसे इससे इन्हें, ये सब क्या है आपके निश्चित वाचक सर्वनामों में आने वाले प्रमुख शब्द विशेष हैं। यानी अगर ये शब्द मिलते हैं तो आप वाक्य में भ्रमित ना हो, ये क्या है आपके निश्चित वाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे कि इन्हें उन्हें, एक और शब्द लिखना उन्हें, ये जो शब्द होते हैं यह वह इसे उसे, ये क्या है इससे, ये होते हैं एकवचन रूप, ये क्या है एकवचन। मैंने कहा यह मकान मेरा है तो ये क्या है निश्चित है, ठीक है। मैंने कहा इसे इसे भगाओ यहाँ से, इसे भगाओ, तो मैंने कहा इससे मुझे बात नहीं करनी यानी एकवचन, लेकिन मैंने कहा इन्हें भगाओ यानी इन्हें भगाओ, ठीक है, ये क्या है आपका बहुवचन। मैंने बोला उसे बुलाओ, मैंने बोला उसे बुलाओ यानी एक व्यक्ति को, मैंने बोला उन्हें बुलाओ, ये क्या हुआ आपका बहुवचन रूप। तो ये जो रूप होता है ना ये क्या है आपका बहुवचन रूप कहलाता है, ये क्या कहलाता है बहुवचन रूप। इन छोटे छोटे बातों को भी हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जब पेपर देते हो ना, पेपर किस टाइप से बनाया जाता है और प्रश्नों को किस प्रकार घुमाया जाता है हिंदी में, इन्हीं सब चीजों के आपके नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका इन्हें बहुवचन, उन्हें बहुवचन, ये क्या है शब्द एकवचन रूप, ये शब्द क्या है सारे एकवचन रूप। चलिए आगे देखते हैं, जैसे मैं उदाहरण में लिखवाती हूँ, और एक चीज और देखना, समीपता के लिए यानी समीपता के लिए भी कुछ शब्द इस्तेमाल करे जाते हैं। समीपता के लिए यह और यह और ये, और दूरस्थ के लिए क्या आएगा, समीपता के लिए तो वो आ गया, दूरस्थ के लिए क्या आएगा, दूरस्थ के लिए आएगा वह और वे, वह और वे ये किसके लिए आएंगे आपके दूरस्थता के लिए, तो वह और वे ये क्या है समीपता, समीपता। मैंने बोला यह है मेरा मकान है, तो मैं घर के पास आ गई तो मैंने बोला यह मकान क्या है मेरा, ठीक है। तो वो आने वाला ये वाला मकान मेरा, तो दूसरा जो मेरे को जवाब दे रहा वो वाला ये वाला मकान मेरा, तो ये क्या हो समझता। लेकिन अगर दूर के लिए कहेंगे वह जो दो घर बाद दिख रहा है ना वह मकान मेरा, तो ये क्या दूरस्थ के लिए आ गया, दूर बताने के लिए आ गया। तो इन शब्दों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, दूरस्थ के लिए क्या आएगा और समीपता के लिए यहाँ पर किन शब्दों का, किन सर्वनामों का प्रयोग किया जा रहा है, किसमें आ रहे हैं निश्चयवाचक सर्वनामों में, किसमें आ रहे हैं निश्चयवाचक। आगे देखते हैं, जैसे
यह मेरा यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, वह हमारा विद्यालय है, वह हमारा विद्यालय, ये साइकिल मेरी है, इसे बुलाना। तो ये क्या है आपका निश्चित वाचक, ठीक है। अब मैंने बोला इन्हें घर भेजो, तो ये क्या होगा आपका निश्चित वाचक सर्वनाम। इन सब में क्या आएगा आपके निश्चित वाचक सर्वनाम। यह वह वे हमारे पड़ोसी, वे हमारे पड़ोसी हैं। तो इनमें आप देख रहे हो आपको निश्चितता का बोध मिल रहा है, तो ये सारे सर्वनाम क्या कहलाएंगे, आपके निश्चित सर्वनाम कहलाएंगे, समझे। जैसे कि यह, पेन चेंज कर लेती हूँ, यह वह वे ये इसे इन्हें, ये क्या है आपके निश्चित वाचक सर्वनामों की श्रेणी में आएंगे। इनका होना, इन सर्वनामों का होना अनिवार्य है, तभी आपको ये निश्चित में आएंगे, ठीक है। चलिए, आज हमने दो सर्वनाम पढ़े, सर्वनाम की हमने परिभाषा देखी, सर्वनाम के हमने प्रकार देखे, सर्वनाम के प्रमुख छह प्रकार होते हैं, मैंने छह प्रकारों को याद करने की आपको एक बार ट्रिक बताई थी। अनाप सनाप यानी अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक, आपके निजवाचक, प्रश्नवाचक, ठीक है। ये क्या है आपके सर्वनाम होते हैं, इनको हमने देखा, दो सर्वनामों को हमने देखा। अभी आप देखोगे ASI की आपकी महत्वपूर्ण भर्ती आई हुई है, अगर आप ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो ऑनलाइन क्लासें आपको मिल जाएंगी, अगर आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो ऑफलाइन क्लास भी आपको मिल जाएंगी। महिला सुपरवाइजर की ये बहुत ही अच्छी भर्ती है, यहाँ आपको अगर आप देखें तो 1-स्टार भर्ती है, ये क्या है 1-स्टार भर्ती, किसकी, महिला की। महिला किसकी बात कर रहे हैं हम, ASI भाई, महिलाओं की बात महिला ही बहुत अच्छी तरह समझ सकती है, पुरुष थोड़ा ना समझ सकता है। यानी ASI में पुलिस डिपार्टमेंट में ज़्यादातर ASI पुरुष प्रधान होता है। अब अपनी समस्याओं को महिलाओं से ही बेहतर तरीके से महिला कह सकती है। समाज में जितना क्राइम बढ़ रहा है महिलाओं के प्रति, तो उसके लिए ये राजस्थान सरकार ने भर्ती निकाली है, करीब आप समझ सकते हो 1000 पदों के आसपास भर्ती है, और मैं नहीं मानती इससे अच्छी भर्ती कोई होगी। अगर आप सिलेबस की बात करो तो जो ASI का आपका सिलेबस है वही आपका सिलेबस होगा, यानी आपका राजस्थान GK होगा, उसको तो आप कुल मिला के पढ़िए। हिंदी अनिवार्य है, हिंदी को भी आपको पढ़ना है। हाँ, महिला अधिकारों पे एक नया टॉपिक इसमें आएगा, तो महिला अधिकारों पे भी आपके प्रश्न आएंगे यहाँ से, वो आपको देखना, तो पुलिस में आपके आए थे वही यहाँ पे भी आएंगे। तो बहुत ही बेहतरीन भर्ती है ना, ऑनलाइन बैचेस चल रहे हैं, हिंदी के प्रश्न आएंगे जो आपके ASI में आते हैं उसी प्रकार आएंगे। तो इस आपके जो इसमें योग्यता है वो आपके है ग्रेजुएशन इसकी योग्यता है, तो आपकी इतनी बड़ी भर्ती है तो ग्रेजुएशन होना तो आपके अनिवार्य है। तो ASI की जो भर्ती है बहुत बेहतरीन, राजस्थान सरकार ने भर्ती निकाली, पहली बार ASI की भर्ती निकली है। तो ये इस पे आपको जो आपके अभी विज्ञप्ति निकली नहीं है, विज्ञप्ति जब निकलेगी तो सभी को सूचित कर दिया जाएगा हमारे द्वारा। और पोस्टें, अभी भी पोस्टों के बारे में जो बात हो रही है वो अभी मैं आ रहा हूँ, तो 1000 के या 1100 के आसपास ही पोस्ट निकलेंगी, काफ़ी बड़ी पोस्ट है, तो इस पर ध्यान देना। और हिंदी और GK इसमें मैंने अभी सिलेबस भी जारी नहीं किया, लेकिन हाँ अनुमान ये लगा रहा है कि ASI में जो सिलेबस आएगा वो आएगा, लेकिन हाँ हो सकता है इसमें रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन जोड़ दिए जाएँ, यानी रीजनिंग के प्रश्न भी इसमें
आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मैं सर्वनाम पढ़ा रही थी, सर्वनाम को हम आगे की क्लास में जारी रखेंगे। तो हम आज के लिए इतना ही, आज के लिए धन्यवाद।